Hello students, today we learn standard 4th English grammar lesson number 20, understanding words better, that is homophones. Now, what is the homophones? Words which have different spellings and meanings but sounds the same are called homophones. ऐसे words जिसके meanings और उसके spellings हैं वो different हैं. बट उसका जो साउंड होता है जब उसको हम प्रोनंसिएट करते हैं तो वो जो साउंड होता है वो सेम होता है. ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पे दो वर्ड्स हैं एच ए आई आर हेयर और एच ए आर ई हेयर. दोनों के साउंड सेम है बट उसके मीनिंग्स डिफरेंट है. लाइक शी हैज लॉन्ग एंड कर्ली हेयर. यहाँ पे जो हेयर है उसका मतलब होता है हमारे जो बाल होते हैं हेयर वो. नेक्स्ट देयर वॉज अ टॉर्टोइस एंड हेयर. यहाँ पे जो वर्ड है हेयर उसका मतलब होगा रैबिट. तो दो स्पेलिंग्स हैं दो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग और उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट है बट उसका साउंड है वो सेम है. तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल टेल टी ए आर एल टेल और टी ए एल ई टेल. इन दैट फर्स्ट काउज हैव लॉन्ग टेल. यहाँ पे टेल का मतलब होगा काऊ की जो पूंछ होती है वो. नेक्स्ट आई हैव हर्ड मेनी टेल्स फ्रॉम माय ग्रैंडमदर. यहाँ पे जो टेल्स है उसका मतलब होता है स्टोरी. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में भी दो वर्ड्स जिसके साउंड सेम है बट उसका जो मीनिंग होता है और उसका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं.